गाजियाबाद के थाना खोड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तीन शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से 3 लैपटॉप, 11 फोन, 1 तमंचा, 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस और 2 नाजायज चाकू भी बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए युवकों का नाम राहुल सिंह, सुपुत्र विश्वनाथ, अभिषेक सुपुत्र लगन और तीसरे का नाम योगेश सुपुत्र संतोष कुमार बताया जा रहा है। तीनों आरोपियों के ऊपर वारदातों का एक लंबा इतिहास रहा है, जिन्होंने गाजियाबाद के कई थानों में चोरी और लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया। एसएसपी केशव कुमार ने बताया कि तीनों आरोपी शातिर किस्म के लुटेरे हैं, जो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में लगातार लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। अभियुक्तों के द्वारा राह चलते लोगों को हाथ से उनका गला दबाकर अचेत कर उनसे लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस को उम्मीद है कि इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद हालात कुछ सुधरेंगे और इलाके में चोरी और लूट की वारदातों को कुछ अंकुश लगेगा। थाना खोड़ा में 3 शातिर लुटेरों को पकड़ा गया है। इनके नाम हैं राहुल, अभिषेक और योगेश। इन तीनों के पास से जो बरामदगी है वो है 11 मोबाइल फ़ोन, 3 लैपटॉप, 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस और 1 चाकू। इनका मोडस ऑपरेंडी इस तरह का रहता था कि पहले ये रात्रि के समय में लोगों को तमंचा या चाकू दिखा के आतंकित कर देते थे, डरा देते थे, और उसके बाद इनमें से इनका एक साथी पीछे से गला पकड़कर उसको ऑलमोस्ट चोक कर देता था और बेहोशी की हालत तक ला देता था। उसके पास जो भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान रहते थे, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, ये छीन लेते थे। इसके बाद इनके ऊपर कई आपराधिक इतिहास भी है, जैसे कवीनगर की एक लूट में ये सब वांछित चल रहे हैं। इनका पिछला आपराधिक इतिहास भी काफ़ी वृहद है और इनके ऊपर प्रारंभिक कानूनी कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जा रहा है। सर, ये मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, कितने अभी तक ट्रैक हो गए हैं? ये 11 मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद हुए हैं। कुछ एक जो कवीनगर में वांछित लूट में जो वांछित थे उनमें ट्रैक हुए हैं, बाकी के लिए IMEI रन करवाया जा रहा है। सर, प्रेस नोट में लिखा हुआ मुठभेड़ कैसे हुई इनसे? मुठभेड़ का यहाँ पे यह तात्पर्य है कि रात्रि चेकिंग के दौरान, मतलब ये संदिग्ध व्यक्ति दिखे थे, हो सकता है कि ये कल भी कोई लूट कारित करने के लिए जा रहे थे, तो उसी समय में संदिग्ध ये प्रतीत हुए और इनकी चेकिंग की गई तो इनके पास से ये सब सामान बरामद हुए। नहीं, फायरिंग नहीं हुई।